हेलो दोस्तों, वेलकम टू राइड विद बाइक रजत यूट्यूब चैनल। यमा XSR 155 को लेकर ऑफिशियल अपडेट आ गया है। तो क्या अपडेट आया है इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, यमा XSR 155 को लेकर इंडिया में लॉन्च को लेकर काफ़ी सालों से वेट किया जा रहा है, बट अभी रिसेंटली यमा ने अपनी फर्स्ट रेट्रो लुक वाली बाइक को FZX को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। अब यमा मोटर इंडिया की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल कर सामने आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि यमा XSR 155 को इंडिया में लॉन्च नहीं किया जाए। क्या रीजन है जो इंडिया में लॉन्च नहीं होगी, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि स्टेटमेंट में क्या बोला गया है। इंडिया यामा मोटर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रविंदर सिंह है, जो सेल्स एंड मार्केटिंग देखते हैं। उन्होंने बताया कि अभी कंपनी अपने रिसेंटली लॉन्च FZX पे फोकस करेगी, ना कि XSR पे। अकॉर्डिंग टू द ब्रांड, FZX को इंडियन कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्पेशली बनाया गया है, और ये बाइक यामा की XSR 155 से ज्यादा सुटेबल और कंफर्टेबल है। ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात करें तो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, बेस्ड ऑन आवर सर्वे वी फाउंड दिस बाइक FZX टू बी द मोस्ट सुटेबल फ्रॉम अ कॉस्ट एंड द मार्केट परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू। यू फाइंड दैट दिस इज मोर रिलेवेंट फॉर द इंडियन मार्केट एंड द मैचिंग द इंडियन मार्केट रिक्वायरमेंट। एट दिस मोमेंट यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट XSR। आवर फर्स्ट फोकस इज टू क्रिएट अ सेपरेट सेगमेंट फॉर द FZX, विच इज अ न्यू कैटेगरी इन द इंडियन टू व्हीलर स्पेस। वी प्लान टू स्ट्रेंथ आवर पोजिशन इन दिस सेगमेंट विद द FZX। तो ये कहा गया है यामा मोटर इंडिया की तरफ से। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि यामा XSR 155 दो तीन साल लगभग आप मान के चलिए कि नहीं लॉन्च होने वाली है। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर का नहीं। बट यहाँ पे अगर बात करें स्टेटमेंट में, एक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया कि FZX में भी आपको कुछ और वैरायटी देखने को मिल सकता है। जैसे यामा FZX 125 में भी लॉन्च हो सकता है 125cc में, या हो सकता है कि ये 150cc से भी हाइयर सेगमेंट में ये बाइक आगे आपको देखने को मिल सकती है। तो स्टेटमेंट के जरिए ये दो चीज़ क्लियर हो गया है कि अभी यामा सिर्फ FZX पे फोकस करेगी रेट्रो लुक में, बट अगर XSR 155 की बात करें तो यामा इंडिया में इस बाइक को अभी लॉन्च करने का इनका कोई भी प्लान नहीं है। तो अब आप उम्मीद को छोड़ सकते हैं। अगर जो भी लोग XSR 155 की उम्मीद पे बैठे थे कि ये बाइक लॉन्च होगी इस साल या अगले साल तो खरीदेंगे, तो आप ये उम्मीद आप छोड़ दीजिए, आप अब दूसरी बाइक की तरफ मूव कर सकते हैं। तो आपको अब रीज़न पता चल गया होगा कि XSR 155 को इंडिया में लॉन्च क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि FZX को इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। क्योंकि कंपनी के हिसाब से लगता है उनको कि XSR 155 से बेटर है FZX। तो गाइज, यही छोटा सा अपडेट आप सभी को देना था, क्योंकि आप सभी का कमेंट भी आया हुआ है और मेरे पास इंस्टाग्राम पे DM भी आया हुआ था कि यामा XSR 155 कब लॉन्च होगी, और आप लोग भी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाकर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये बाइक अब इंडिया में लॉन्च नहीं होने वाली है। तो यही छोटा सा अपडेट आप सभी को देना था। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं यूट्यूब से पहले इंस्टाग्राम पर अपडेट कर देता हूँ। बाइक रिलेटेड न्यूज़ होता है या कार रिलेटेड कोई भी न्यूज़ या अपडेट होता है, तो मैं सबसे पहले इंस्टाग्राम पर ही पोस्ट करता हूँ या स्टोरी में डाल देता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो बना के डालने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो ऐसे ही बाइक रिलेटेड न्यूज़ के लिए, अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Ride with bike।